हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 5 मॉरल साइंस, चैप्टर नंबर 11, अ पाउंड ऑफ बटर। एंड वैल्यू ऑफ द चैप्टर इज़ बी फेयर एंड जस्ट, यानी हमें सच का साथ देना चाहिए और न्यायप्रिय होना चाहिए। रीड अहेड। वी गेट बैक इन लाइफ व्हाट वी गिव टू अदर्स। हम जो दूसरों को देते हैं हमें जीवन में वही वापस मिलता है। Whenever you take an action, ask yourself whether you are doing the right thing or are you fair and just in your dealings with others. जब भी हम कुछ भी करते हैं तो हमें अपने आप से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम जो दूसरों के साथ कर रहे हैं वो सही है या नहीं। इफ द आंसर इज येस, गो ऑन, बट इफ द आंसर इज नो, देन स्टॉप, चेक एंड रिव्यू योर एक्शंस। तो जब हम अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है और हमारा आंसर हो येस, तो हमें डेफिनेटली वो काम करना चाहिए। लेकिन अगर आंसर नो में आए तो हमें रुक जाना चाहिए, हमें अपने एक्शन पर एक बार सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो है क्या और इससे क्या बेनिफिट है दूसरों को, क्या उसे कोई हार्म तो नहीं। तो ऐसा ही एक चैप्टर हमारे साथ है, लेट्स रीड आउट द चैप्टर। Once upon a time, there was a farmer who sold a pound of butter to the baker. एक बार की बात है, एक farmer यानी किसान था जो एक baker को, जो bakery चलाता है, bread वगैरह बनाता है, उसे baker बोलते हैं, वो उसे a pound of butter बेचता है। Pound एक तरह का unit है, जैसे कि किलोग्राम, ग्राम, वैसे ही वजन नापने के लिए पाउंड का भी यूज़ होता है। वन डे द बेकर डिसाइडेड टू वे द बटर टू सी इफ ही वॉज गेटिंग अ पाउंड और नॉट। तो बेकर ने जो पाउंड ऑफ बटर ख़रीदा था फार्मर से, एक दिन उसने ऐसा सोचा कि चलो इसे नाप कर देखते हैं कि ये करेक्ट 1 pound है या नहीं है। On weighing the butter, he found that he was getting less than a pound every day. और जब उसने उसे मापा तो उसे ऐसा पता चला कि वो तो हर दिन 1 pound of butter से कम ही मिल रहा था उसे। This angered him and he took the farmer to the court. इस बात से वो बेकर बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने फार्मर को कोर्ट तक वो ले गया। कोर्ट तक ले जाना यानी न्याय पाने के लिए। द जज आस्क्ड द फार्मर इफ ही वॉज यूजिंग एनी मेजर। तो कोर्ट में जज ने फार्मर से पूछा कि वो क्या कोई मेजर, कोई नाप यूज कर रहा था उसे तोलने के लिए। द फार्मर रिप्लाइड, योर ऑनर, आई एम एन अनएजुकेटेड विलेज मैन। I don't have a proper measure, but I have a scale. तब फार्मर बताता है कि जज को, योर ऑनर, मैं एक अनएजुकेटेड विलेज मैन हूँ, यानी वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास एक प्रॉपर मेज़र यानी नापने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, बट हाँ उसके पास एक स्केल है। स्केल यानी जिसके बराबर वो नाप सके, किसी एक चीज़ को रखना कि ये इस बराबर है। द जज आस्क्ड, देन हाउ डू यू वे द बटर। तब जज ने पूछा कि ऐसी बात है तो तुम बटर को कैसे नापते हो। द फार्मर रिप्लाइड, योर ऑनर, लॉन्ग बिफोर द बेकर स्टार्टेड बाइंग बटर फ्रॉम मी, आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड ऑफ लोफ और बटर फ्रॉम हिम। तब फार्मर जज को रिप्लाई करता है कि काफ़ी पहले से ये बेकर उससे हमेशा से बटर खरीदता आया है। और फार्मर जो है वो बेकर से
loaf of butter, bread, यानी उससे ब्रेड खरीदता है बहुत पहले से. एवरी डे व्हेन द बेकर ब्रिंग्स द ब्रेड आई पुट इट ऑन द स्केल एंड गिव हिम द सेम वे इन बटर. तो फार्मर क्या करता है, हर दिन जब वो उससे ब्रेड लेता है वो तराजू के एक तरफ उस ब्रेड को रखकर और जितना ब्रेड है उसी के बराबर बटर तौलता है और उसे दे देता है. If anyone is to be blamed, it is the baker. इसलिए अगर किसी को इसके बदले में कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए या इसका इल्ज़ाम लगना चाहिए तो वो बेकर है, क्योंकि बेकर उसे जितना ब्रेड देता है फार्मर बस उतने ही माप कर उसे बटर वापस कर देता है. The baker felt ashamed for his deeds. ये बात सुनकर बेकर को बहुत ही शर्मिंदगी हुई. Ashamed means feeling shame. He realized he should have been fair and just in his dealings with the farmer. और फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे फार्मर के साथ फेयर एंड जस्ट होना चाहिए था, यानी उसे न्याय के साथ बिल्कुल सही तौल ही देना चाहिए था. इफ ही हैड बीन फेयर ही वुड हैव रिसीव फेयरनेस इन रिटर्न. अगर बेकर फार्मर के साथ सही व्यवहार करता तो उसे भी बदले में सही व्यवहार ही मिलता, क्योंकि बेकर ने हमेशा उस फार्मर को धोखा दिया था और कम ब्रेड देता था, 1 pound से कम, इसीलिए उसके बदले में बेकर को भी कम बटर ही मिलता आया. इस बात से वो बहुत ही शर्मिंदा होता है. सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि हम जो करते हैं हमें कहीं ना कहीं से वही रिटर्न में मिलता है. सो वी शुड ऑलवेज बी फेयर एंड जस्ट with everyone. Thank you.